हाँ भाई, सभी लोग आ चुके हैं। जी सर, विजिबल अब बिल्कुल क्लियर है मेरे ख्याल से। जल्दी जल्दी जुड़ते जाएं सभी लोग। चलिए आवाज। हाँ भाई, दिस हेलो चैंपियंस, दिस मनीष सर एक बार फिर आप सभी के सामने। हाँ अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आप सभी को। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। मैं सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। दिस इज द प्रीवियस एग्जाम ऑफ एसएससी। एसएससी का एक प्रीवियस एग्जाम है और This is the previous exam of SSC. चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं आज की क्लास। Sudoku was first designed. अगर हम देखा जाए तो okay, I'm just checking it out. What is the problem in that? ये क्लियर दिखाई दे रहा है? क्वालिटी इंप्रूव करके देखिए, आराम से देखेगा। यस सर, क्लियर दिख रहा है। हाँ जी, अब बिल्कुल क्लियर है सभी को। चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, सुडोको वाज फर्स्ट डिजाइंड। जब भी मैं इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, बढ़िया तरीके से अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए तरीके से। चलिए, मैंने कहा सुडोको, सुडोको एक गेम का नाम है, वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। एक गेम सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए? वाज, बिल्कुल सही है। सुडोको कैसा है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। और जब जब सेंटेंस में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है तो क्या आता है? पैसिव वॉइस होता है। कैसा होता है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। डिजाइन यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। आंसर यहाँ तक मेरे को कोई गलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि सुडोको क्या है? एक चैप्टर को एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा मोस्ट प्रोबेबली थर्ड फॉर्म लाई जाती है। चलिए, In the 1970s में इसको क्या किया गया था? पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था by a retired, by plus object तो passive voice में आता ही है। Retired हो चुके architect ने किया था, at freelance puzzle constructor, freelance puzzle constructor ने। Answer है no error, इसमें कोई गलती नहीं है।
जहां तक मेरे को, हाँ जहां तक क्या इन द सेंस एग्जाम में जब दिया गया है आंसर बिल्कुल कोई गलती नहीं है। हाँ चलिए नेक्स्ट, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड्स। हम में से हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना अपना दिमाग क्या करना चाहिए, मेक अप देयर माइंड। अच्छा एक बात बताओ, जब हम सब ईच वन ऑफ यू की बात कर रहा है तो यहाँ पे देयर का कोई सेंस नहीं उठेगा, बात किसकी चल रही है, तो ईच की या फिर हम तुम सभी की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा देयर हट जाएगा सेंटेंस में से। क्लियर सभी को, देयर की जगह क्या आ जाएगा, या तो हिज आएगा या फिर योर आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स पिछले कुछ सालों के दौरान द कंपनी वर्क्स हार्ड, कंपनी बहुत ज्यादा मेहनत करती है टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज, उसकी इमेज को बिल्कुल सुधारने के लिए। जस्ट चेक इट आउट सेंटेंस को पढ़ो और बताओ गलती कहां पर है। अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता आपकी जगह होता तो मैं इसे चेक करता ड्यूरिंग के दौरान, बिल्कुल सही दिया है, द लास्ट फ्यू ईयर्स पिछले कुछ सालों में, बिल्कुल सही दे रखा है। द कंपनी वर्क्स हार्ड, कंपनी मेहनत करती है टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज, अपनी इमेज को सुधारने के लिए। अच्छा चैंपियन से एक बात बताओ, अगर सेंटेंस में सिंस फॉर आ जाए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स पिछले कुछ सालों से, ठीक है, तो यहाँ पर आपके हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट आना सही होगा क्या? यहाँ पे तो हमारे हिसाब से जब टाइम आता है तो कौन सा टेंस आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। एक कंडीशन होती है एग्जाम की, जब जब सेंटेंस में क्या होगा, हाँ विकास जस्ट कॉल मी आफ्टर द क्लास माई नंबर इज, आप अभी केवल और केवल टेस्ट को सॉल्व करें और करने दीजिए, दिस इज माई नंबर, आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें, मैं आपसे बात करूंगा। अभी यहाँ से बात करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, नहीं थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। अच्छा आप सब बताइए, अगर सेंटेंस में सेंस फॉर दिया हो या टाइम ड्यूरेशन दी हो तो केवल और केवल या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, और अगर परफेक्ट टेंस आएगा तो यहाँ पे वर्क्स हट जाएगा, वर्क्स की जगह क्या आएगा, हैज वर्कड हो जाएगा, कंपनी ने काम किया है अपनी इमेज को सुधारने के लिए। इट्स क्यों आ रहा है, क्योंकि कंपनी कैसी होती है, नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव होती है। सभी को क्लियर है इतना, चलिए हटाओ इसको, फोर्थ क्वेश्चन अभी दोबारा से कैरी ऑन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट गिव मी ओनली वन मिनट। अब ठीक है, चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड टू द मजिस्ट्रेट, जब उसने अपोलोजाइज यानी माफी मांग ली थी मजिस्ट्रेट से फॉर हैविंग ब्रोक, किसके लिए, तोड़ने के लिए प्रॉमिस, अपना वादा तोड़ने के लिए, द मजिस्ट्रेट वॉज हैप्पी टू फॉरगिव हिम, मजिस्ट्रेट बड़ा खुशी से उस मजिस्ट्रेट सिंगुलर है तो क्या रहा है बॉस। मैं एक स्टूडेंट की तरह जब सोचता हूँ तो मैं ये देखता हूँ मजिस्ट्रेट सिंगुलर है तो क्या रहा है बॉस, सही दिया है, ही के साथ हैड दिया है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी है, यहाँ पे भी सही दिया है, लेकिन एक चीज गलत कर दी उसने, क्या कर दिया कि हैज़ेव के साथ उसने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, सेकंड, और आप सब जानते हो हैज़ेव के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है कि थर्ड फॉर्म आती है, मेरे साथ सारे चैंपियंस बोलते जाएंगे हैज़ेव के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी कि थर्ड फॉर्म, तब आपने कहा सर हैज़ेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म आएगी तो ब्रोक नहीं होगी, क्या हो जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्रोकन, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो नेक्स्ट, उसने कहा दिस स्टाम्प, ये जो स्टाम्प है इज ओनली वन, ठीक है, ये केवल एक अकेला ऐसा है ऑफ द डिजाइन, ऐसा डिजाइन है एवर प्रिंटेड, जो अभी तक प्रिंट किया गया है। आपको कई बार हजारों बार आप ये चीज सुन चुके हो, बताओ क्या, कि अगर सेंटेंस में वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ कुछ भी दिया हो तो प्लूरल नाउन आता है, कौन सा नाउन आता है, प्लूरल। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, वन ऑफ दिख रहा है, वन ऑफ के साथ नाउन कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगा तो डिजाइन नहीं आएगा, डिजाइन में क्या लग जाएगा एस, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिजाइंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिजाइंस, बिल्कुल सही था। चलो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, अब मैं इसको मिटा देता हूं जिससे आपको एक ही चीज पर फोकस रहेगा, ठीक है, चलिए हाँ, व्हाट फिल इन द ब्लैंक्स इट वंडरफुल, उसने कहा तुम क्या बना रहे हो, जो भी है बहुत अच्छा सा स्मेल आ रही, बहुत शानदार खुशबू आ रही है। क्लियर सभी को, जस्ट चेक इट आउट, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट। अच्छा अगर क्वेश्चन है तो कॉमन सी बात है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गया आर यू कुकिंग, यहाँ तो ये फिक्स है कि व्हाट आर यू कुकिंग, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, तुम क्या पका रहे हो, तो ए वाला ऑप्शन में ये जो पहला वर्ड है वो तो आना चाहिए,
इट फिल इन द ब्लैंक्स इज वंडरफुल. अच्छा कोई पर्सन आपसे आके पूछता है तुम क्या बना रहे हो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, हमें क्या आना चाहिए था, आईएनजी आना चाहिए था. तो यहाँ पर स्मेल में स्मेल्स ना होते हुए स्मेल्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, स्मेल्स फर्स्ट फॉर्म है, स्मेल फर्स्ट फॉर्म है, स्मेल्ड कुछ फॉर्म ही नहीं होती यहाँ पर. तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, बी स्मेल्स हो जाएगा. आपको पता है ऐसा क्यों हुआ, तुम क्या पका रहे हो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. तो दोनों में आईएनजी आना चाहिए था, लेकिन इसमें दोनों में आईएनजी क्यों नहीं आ रही है, एक ही रीजन है दोनों में आईएनजी ना आने का, क्योंकि स्मेल एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी भी आईएनजी नहीं चलता. हमें हम इन सब वर्ब्स को हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन. सब लोग बोले क्या बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन. ऐसी वर्ब्स जो फीलिंग्स को दर्शाती हैं उनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता, जैसे टेस्ट हुआ, स्मेल हुआ, हेयर हुआ, इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता. ये हमें अपने आप में फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, फीलिंग्स के साथ कभी आईएनजी नहीं. इसी मतलब मजबूरी में हम क्या लेकर आ रहे हैं, स्मेल्स आ रहे हैं. क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं ही शी नेम के साथ क्या लगता है, एस या यस. वी हैड फिल इन द ब्लैंक्स मनी लेफ्ट, हमारे पास पैसा बचा है. अब बताओ कौन सा, कितना पैसा बचा है. देखो अ फ्यू ऑप्शन में नहीं हो सकता क्योंकि मनी इज अनकाउंटेबल. तो अ फ्यू वाले ऑप्शन तो सबसे पहले उड़ा दो, उड़ा दिया हमने, ठीक है. अब बचा हमारे पास तीन ऑप्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला. अब वो कहता है अगर हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा बचा है तो अ लिटिल वाला बी ऑप्शन हो गया. अ लिटिल, हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा बचा है, वैसे बचे होने के लिए द लिटिल होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम लोग लेकर हमारे पास थोड़ा बहुत ही पैसा बचा है. सो वी वेंट आउट फॉर अ मील, हम लोग खाना खाने के लिए बाहर चले गए. We decided to abandon our trip. हम लोगों ने छोड़ने की कोशिश की, जिस ट्रिप पे हमें जाना था हमने उसको छोड़ने की कोशिश की. As we had fill in the blanks money left, क्योंकि हमारे पास कैसा पैसा बचा था, ना के बराबर. हम ना के बराबर के लिए क्या आता है, लिटिल. आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है लिटिल हमेशा ना के बराबर के लिए आता है, आ लिटिल थोड़े बहुत के लिए आता है, और द लिटिल अंत में बचा कुचा. तो आंसर होगा ए, कंडीशन क्लियर सभी को. हाँ चलो नेक्स्ट. हाँ जी अब है सर, मैं नीरज धाकड़, नमस्ते सर. हाँ नमस्कार जी, नमस्कार. चलिए आ जाइए. प्लीज राइट टू मी फिल इन द ब्लैंक्स दिस एड्रेस. उसने राइट टू मतलब होता है लेटर भेज देना. क्या होता है, लेटर भेज देना. कृपया करके लेटर आप मेरे को भेज देना फिल इन द ब्लैंक्स दिस एड्रेस. आंसर क्या होगा, टू होगा. क्या होगा, टू. अब आप कहोगे सर टू क्यों आया, टू तो गो के साथ आता है. मैं आपको बताना चाहूंगा गो क्या, ऐसी सारी वर्ब्स के साथ टू आता है जो कि हमारी वर्ब्स ऑफ सेंस मतलब मूवमेंट है. ऐसी वर्ब जो मूवमेंट को दर्शाती है उनके साथ हमेशा टू चलता है, जैसे गो टू मार्केट, ही इज कमिंग टू माय होम, शी इज सेंडिंग मी मैसेजेस टू दिस नंबर. तो यहाँ पर याद रखना जब भी हम सेंड, गो, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, सेंड भेजना, ऐसी यहाँ पर अगर आप लेटर भेज रहे हो कहाँ पर, इस एड्रेस पर, तो वहां पर क्या हो रहा है, उस एड्रेस पर पहुंच रहा है. और जब मूवमेंट होगा तो मूवमेंट के लिए हमेशा हमेशा टू चलता है. क्या चलता है, टू. आंसर ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ए. हाँ एट कब आता है, एट जब पोजीशन ऑफ रेस्ट होता है. अभी तक पोजीशन कैसी चल रही है, मूवमेंट वाली चल रही है. अगर रुकने वाली पोजीशन होती है तो क्या आ जाता है, एट आ जाता है. हाँ भाई मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है. हाँ जी एक बार राम राम. हाँ राम राम, राम राम पवन धाकड़, बस बस खुश रहे, बस पवन धाकड़, बस डट जा, राम राम. हाँ चला जा. क्वेश्चन नंबर, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे का दिन था, इट्स द कार्निवल, फिल इन द ब्लैंक्स. कार्निवल था, फिल इन द ब्लैंक्स, एवरीबॉडी गेट्स ड्रेस्ड अप. अब कॉमन सी बात है, यहाँ पर जब ट्यूसडे के दिन की बात हो रही है तो यानी समय की बात हो रही है, तो समय के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, वैन आना चाहिए. तो वैन वाला ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए. चलो वैन ऑप्शन सही है. ये मैंने कह रहा कि आंसर पहला है, चेक करते हैं. इट इज ट्यूसडे, इट्स अ कार्निवल, वैन एवरीबॉडी गेट्स ड्रेस्ड अप. वुड कार्निवल था, एक बहुत बड़ा महोत्सव था जब सभी लोगों ने ड्रेसिंग सेंस पहन रखा था, इन अ कॉस्ट्यूम, अच्छी अच्छी कॉस्ट्यूम पहन रखी. सो वी विल जॉइन एट जॉइन, सो वी विल, तो हम क्या करेंगे, एट जॉन्स हाउस, हम लोग क्या कर गए, जॉन के घर गए. विच इज, अब कौन सी बात है, घर की बात हो रही है. हम सब ने पढ़ा है हु विच दैट, हु व्यक्ति के लिए आता है, विच वस्तु के लिए, और दैट जानवर. यहाँ बात किसकी हो रही है, घर की. तो आंसर क्या होना चाहिए, विच. अगर आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा है, किसका ऑप्शन दिख रहा है, व्हेन और विच का दिख रहा है क्या, हाँ आंसर बी, बी इज द राइट आंसर, व्हेन और विच का ऑप्शन आ जाएगा.
सभी का सही था, उदित ने आंसर दिया सही, हाँ सभी लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, क्या बात है मनीष तेरे भी आंसर सही आने लगे, वेरी गुड, वेनर विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 10 नंबर क्या कह रहा है, आई हेट हिम, मैं उसे बहुत नफरत करता हूँ, फॉर द सिंपल रीजन, एक साधारण सा रीजन बताए क्या, दैट ही कीप्स सिंगिंग, वो गाना गाता रहता है इस ओन प्रेसेस, यहाँ पे गाना नहीं सिंग, ओन प्रेसेस मतलब अपनी अपनी तारीफ करता रहता है कंटिन्यूली, कंटिन्यूली मतलब क्या होगा, बिना रुके, बिना रुके अपनी अपनी तारीफ करता रहता है, टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, खुद की बात चलती रहती है उसकी, ही इज एन इरिटेटिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले में आएगा ईगोटिस्ट, क्या आ जाएगा, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट होता है स्वयं को बहुत महत्व देने वाला, स्वयं की बातें करने वाला, उसको ईगोटिस्ट, स्वयं का बढ़ावा करने वाला, तो पहले तो ईगोटिस्ट आ गया, he is a real egoist, egoist मतलब अहम, जो पर्सन अहम की भावना रखता है और स्वयं की बातें करता है वो egotist है, स्वयं की बातों वाला जो है वो egotist है, और स्वयं अहम की भावना रखने वाला जो पर्सन है वो egoist है, आंसर हो जाएगा बेटा 10 नंबर, क्या हो जाएगा 10 नंबर, कोई दिक्कत किसी को, चलिए अगला synonym, insolent, जल्दी से 11 नंबर का आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, जल्दी से आउंस, keep it up, insolent होता है बेशर्म, क्या होता है बेशर्म, जो किसी की respect नहीं करता, ऐसे persons को क्या बोलते हैं, see disrespectful, क्या बोला जाता है, see disrespectful, insolent मतलब क्या हो गया, जो बेशर्म है, जो किसी की परवाह नहीं करता, किसी की इज्जत नहीं करता, उसे कहा जाता है insolent, कहा जाता है, आंसर हो जाएगा सी डिसरेस्पेक्टफुल। अच्छा इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का आप लोग क्या आंसर लगाने वाले हो, जल्दी से आंसर लगाओ, इनोक्यूअस, इनोक्यूअस मतलब होता है हानि रहित, एक ऐसी चीज जो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आंसर होगा डी हार्मलेस, क्या हो जाएगा हार्मलेस, डी सभी लोगों का सही था, वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। अच्छा बताओ इंजेनियस, इंजेनियस का मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इंजीनियर्स, इंजीनियर्स मतलब होता है बहुत सीधा साधा, क्या होता है सीधा साधा, और सीधे साधे के लिए आंसर हो जाएगा सी इनोसेंट, सभी लोगों का आंसर सही था, चलो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंटोनिम पे आ जाओ, एंटोनिम हमसे क्या कह रहा है, एंटोनिम हमसे कह रहा है डिफिडेंस, कॉन्फिडेंस का अपोजिट होता है डिफिडेंस, अब मैं डायरेक्ट आंसर बोलते जा रहा हूँ आप चेक करते जाना, ठीक है, डिफिडेंस, डिफिडेंस होता है जिसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस का अपोजिट होता है डिफिडेंस, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है, अब हमें चाहिए एंटोनिम, एंटोनिम के हिसाब से अगर देखा जाए शाइनेस, शाइनेस को तो शर्माना, सेल्फ एश्योरेंस जिसके अंदर खुद से कोई विश्वास, आंसर हो गया सी सेल्फ एश्योरेंस, अमेचर, अमेचर मतलब होता है नौसिखिया, एक ऐसा पर्सन जो केवल शौक, शौकीन, शौक के लिए काम कर रहा है, उसका कोई रुचि नहीं उसमें, जबकि आंसर होगा डी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल वो पर्सन होता है, जैसे आई एम अ टीचर, टीचरशिप में मैं प्रोफेशनल हूँ, और अगर मैं गिटार बजाता हूँ तो मैं केवल क्या हूँ, नौसिखिया हूँ, अमेचर हूँ। ओवर्ट, ओवर्ट मतलब होता है ओपन, खुला हुआ, ओवर्ट मीन्स होता है खुला खुला, ओपन, यू शुड बी ओवर्ट इन योर व्यूज, आपको अपने व्यूज में कैसा होना चाहिए, ओवर्ट होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, आंसर होगा ए हिडन, क्योंकि एंटोनिम चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा हिडन, हमें एंटोनिम चाहिए, सिनोनिम होता तो आंसर ओपन हो जाता। अच्छा ही इज लीविंग द यूएसए, वो यूएसए छोड़कर जा रहा है फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए, परमानेंटली इज द राइट आंसर, डी परमानेंटली इज द राइट आंसर। वो कहता है कमिंग क्रिएटिव इंग्लिश इज द अकिल्स हील फॉर द जॉब एस्पिरेंट्स, इंग्लिश बोल पाना जो है वो अकिल हील्स है, अकिल हील का मतलब होता है कमजोरी, क्या होता है कमजोरी। अच्छा बताओ इंग्लिश कमजोरी है सभी जितने भी जॉब पाने वाले लोग हैं उनके लिए, ठीक है, आंसर होगा सी बी को स्पॉट, क्या हो जाएगा बी की स्पॉट, सभी का सही जा रहा है आंसर। नेक्स्ट अगला, चलिए 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 क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट, ही इज नोन फॉर ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है अपनी अपनी तारीफ करना, अपनी तारीफ करना, एक ऐसा पर्सन जो केवल और केवल अपनी अपनी तारीफ करता है, उसको क्या कहते हैं, लंबी चौड़ी फेंकने वाला, आंसर हो जाएगा पोस्टिंग, क्या हो जाएगा पोस्टिंग। अगला, he cut the Gordian knot by practicing what he preached, cut the Gordian knot का मतलब होता है कोई भी काम बहुत आसानी से कर डालना, उसको कहा जाता है ए रिमूव द डिफिकल्टी, क्या हो जाएगा रिमूव द डिफिकल्टी।
ठीक है। अगला ही टुक अ लीप इन द डार्क, इसका मतलब होता है तुक्का लगाना। क्या होता है? तुक्का। अच्छा, अगर किसी ने तुक्का लगाया, तुक्का लगाने के लिए आंसर क्या होगा? कंफ्यूज। वाज कॉकश्योर, कॉकश्योर का मतलब होता है बिल्कुल श्योर, नहीं हो सकता। टुक अ रिस्क, आंसर होगा सी, टुक अ रिस्क। उसने एक रिस्क लिया था, तुक्का लगाया था, ये चीज हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ, सेंटेंस इंप्रूव। ही फाउंड अ वुडन ब्रोक चेयर, भैया टूटी हुई कुर्सी। ब्रोक चेयर होती है कि ब्रोकन चेयर होती है? तो ब्रोकन चेयर, आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोकन वुडन चेयर होना चाहिए। सही सही सीक्वेंस होगा तो क्या होना चाहिए? ब्रोकन वुडन चेयर। कौन सा वाला आंसर लगाया आप लोगों ने? कौन सा ऑप्शन है? हाँ, आंसर है बी, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्टार्विंग एंड क्रॉलिंग पीपल, भूखे जो मर रहे थे, तड़प रहे थे जो लोग हैं, इन द टेलीविजन प्रोग्राम लुक्ड मोर, वो बहुत ज्यादा कैसे दिखाई देते हैं? द बीस्ट, लाइक बीस्ट, जानवरों की तरह दिखाई देते देन टायरिंग क्रिएचर्स, ना कि वो नॉर्मली क्रिएचर्स दिखाई दे रहे थे। पोज, पोज मतलब दिखाना, रिजेंबल किसी के जैसा दिखना, सीम, आंसर नो इम्प्रूवमेंट, ऐसे दिख रहे थे, आंसर हो जाएगा लुक। अपन बोलते हैं ना ही इज लुकिंग लाइक अ पुअर पर्सन, तो लुक लाइक, क्योंकि लुक के साथ कॉम्बिनेशन किसका होता है? लाइक का, इसलिए आंसर क्या होगा? लुक लाइक, आंसर नो इम्प्रूवमेंट, क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago, 5 साल पहले, टुडे, आज से 5 साल पहले, आई एम सिटिंग इन अ मॉल जापानीज, इन अ स्मॉल जापानीज कार, एक छोटी सी जापानीज कार में मैं बैठा हुआ था। अच्छा, एक बात बताओ, जब 5 साल पहले की बात है तो अभी बैठा होगा कि पास्ट में? पास्ट में, पास्ट में क्या हो जाएगा? आई वॉज सिटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई वॉज सिटिंग, बैठा था। जब कोई काम बैठे में, मतलब कोई भी काम चल रहा होता है तो आईएनजी आती है। प्रेजेंट में चलेगा तो एसएमआर के साथ आईएनजी, पास्ट में चलेगा तो वॉज के साथ आईएनजी। He could not look anything. उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था in the dark room. Dark room में। अच्छा, आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, see होता है normally देखना, look होता है एकदम से देखना, watch होता है ध्यान से देखना। जो मैं पहली क्लास जब शुरू करता हूँ ना, तब सबको यही चीज पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ कि हाँ एक्चुअल एग्जाम है क्या। लोगों क्वेश्चन सामने आ गया आपके, कौन सा? He could not look anything. अच्छा, अगर आप अंधेरे कमरे में हो, एकदम एकदम से देखोगे नॉर्मली, वैसे तो वॉच आना चाहिए लेकिन वॉच ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लुक, आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सी थ्रू तो हो जाएगा, चाल को भांप जाना। नो वन कुड एक्सप्लेन हाउ अ काम एंड बैलेंस पर्सन, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसे एक शांत और बैलेंस पर्सन जो होता है लाइक हिम, उसके जैसा, कुड पेनेट्रेट सच अ माइंड माइंडलेस एक्ट, इस तरीके का एक्ट कैसे कर सकता है? पेनेट्रेट तो होता है छेद करना, यहाँ पे पेनेट्रेट नहीं आएगा, आंसर होगा परपेचुएट। परपेट्रेट मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ा देना। ठीक है, नेक्स्ट, अब जल्दी जल्दी करने थोड़ा सा। नेक्स्ट शीट में इसपे अप्लाई कर रहा हूं। चलो आ जाओ, अब क्लियर है, क्वालिटी इंप्रूव कर लो जिसको दिक्कत आए। चलो नेक्स्ट, दे लेफ्ट
they left hotel by car. वो उन्हें वो लोग वो कार छोड़ कार से चले गए होटल छोड़ के. Where they had been staying, जहाँ पर उन्हें कहा गया था. जल्दी से बताओ sentence improvement. जल्दी से आंसर बता सकते हो 27 का. आंसर देखें, they left, वो ने छोड़ दिया गया the hotel, hotel पर where they, जहाँ पर had been staying by car, जहाँ पे वो काम, वो अपनी कार छोड़ गए. यहाँ पे left क्या है, कार छोड़ देना. उन्होंने अपनी कार छोड़ दी, होटल छोड़ दिया था, उन्होंने होटल छोड़कर चले गए. where they had been staying by car, जहाँ पर वो रुके हुए थे. क्लियर सभी को? चलिए, what should be the answer? आंसर होगा A. चलो नेक्स्ट. having only a few hours left, कुछ ही घंटे बचे हुए थे. She wondered, उसे आश्चर्य हुआ, as she would finish the assignment, कि वो assignment finish कर भी लेगी कि नहीं कर लेगी. जल्दी से बताओ. अब आप सब जानते हो conjunction यानी दो sentences को जोड़ने के लिए as भी आता है, that भी आता है, if भी आता है और whether भी आता है. लेकिन इन सब में से एक common speciality whether की होती है कि whether हमेशा हमेशा doubt के लिए आता है. किसके लिए आता है? Doubt. जब उसको doubt है कि यहाँ पर वो assignment complete कर भी लेगी कि नहीं कर लेगी, तो answer क्या हो जाएगा? B, whether is the right answer. Clear सभी को? Next, question number कौन सा है हमारे पास? हाँ, question number है हमारे पास 29. Will you lend me few rupees? क्या आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे सकते हो? In the hour of need. अब few अगर लिखोगे तो few तो ना के बराबर होता है. आपको a few बोलना होगा, जिससे कि आप कह सकते हो थोड़े बहुत पैसे. Borrow का मतलब तो उधार लेना हो जाएगा, जबकि आपको चाहिए उधार. तो आंसर सी हो जाएगा. Will you lend me? क्या आप मुझे उधार दे दोगे? A few rupees, थोड़े बहुत पैसे उधार दे दोगे. क्लियर सभी को? चलो. I took the cycle, मैंने साइकिल उठाई. Which he bought yesterday, जिसने जो इसने कल खरीदी. क्लियर सभी को? बताओ. जल्दी से 30 का आंसर क्या लगाया आप लोगों ने? आंसर हो जाएगा that. जब जब किसी वर्ब, वैसे क्या होता है, निर्जीव किस लिए चाहता है, लेकिन जब जब निर्जीव पर काम होने लगी तो आंसर क्या आ जाता है? दैट. अब उसने जो कल खरीदी थी, इसका मतलब काम हुआ तो क्या आ जाएगा? दैट. एनीवन हु वुड स्पीक, कोई भी व्यक्ति जो बात करेगा. विद अथॉरिटी वन ऑन द पोएट्स ऑफ द रेनेसेंस मस्ट हैव अ ब्रॉड एक्वेंटेंस विद द राइटर्स. क्या बोला उसने? अच्छा, पैसेज का दिया. एनीवन हु वुड स्पीक विद अथॉरिटी, एक ऐसा पर्सन कोई भी जो अथॉरिटी के साथ बात करेगा. ऑन द पोएट्स ऑफ रेनेसेंस, रेनेसेंस मतलब होता है पुनर्जागरण. मस्ट हैव अ ब्रॉड एक्वेंटेंस, उसकी अच्छी जान पहचान होनी चाहिए. विद द राइटर से ऑफ क्लासिकल एंटीक्विटी, एंटीक्विटी से. ये सब अब आपसे पूछा गया. जल्दी से बताओ सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कौन सा पार्ट इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है? आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, बिल्कुल अपनी जगह सब कुछ सही है. अप्रोप्रिएट वर्ड, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, किसी भी कच्चा सिल्क जो है जहाँ बनाया जाता है उस प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर. सेरिकल्चर की स्पेलिंग हो जाएगी सी. क्या हो जाएगी? सी. पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस फॉर डूइंग अनड्यू एडवांटेज, पॉलिटिशियंस बहुत बदनाम है किस चीज के लिए? फॉर डूइंग, किसके लिए? डूइंग अनड्यू फेवर. अनड्यू फेवर मतलब होता है गलत फायदा. टू देयर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स को. अगर आप किसी अपने रिलेटिव्स को गलत फायदा उठाते हैं, अपनी पोजिशन का अपनी गलत फायदा देते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में नेपोटिज्म बोलते हैं. सब लोग बोले क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म. और नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद. तो आंसर यही हो गया. पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, एक बार खुद सेट हो गए तो अपने सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं सबको सेट कर दिया सब जगह. तो उसे कहा जाएगा नेपोटिज्म. कहा जाएगा क्या? कहा जाएगा नेपोटिज्म. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा है. हाँ, अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, एक ऐसा पर्सन जो किसकी मदद कर दे? अजनबियों की भी मदद कर दे, जब वो परेशानी में हो या मुसीबतों में हो. ऐसे पर्सन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को हम इंग्लिश में बोलते हैं. जल्दी से सब लोग आंसर दे रहे हो या मैं आंसर बोलूं सीधे सीधे? हाँ, आंसर हो जाएगा समैरिटन. क्या हो जाएगा? समैरिटन. समैरिटन वो पर्सन होते हैं, देखो, ऑल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है मानव की हेल्प करने वाला या मानव की इज्जत करने वाला. लेकिन सेमेरिटन तो अजनबी, जितने भी पर्सन जो जहां मिल जाए उसकी मदद के लिए तैयार है. हाँ, जो भी मोदी कर रहा है,
बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कहें मैं मान लेता हूं। अच्छा बताओ, अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स, एक ऐसा पर्सन जो बिना सोचे समझे दूसरों पर विश्वास कर लेता है, बहुत जल्दी विश्वास, क्रेडुलस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेडुलस। मीनिंगलेस लैंग्वेज, फालतू की लैंग्वेज विद एन एग्जैगरेटेड स्टाइल, जिसमें क्या होता है, क्या नाम था अपना, एग्जैगरेटेड, बढ़ा चढ़ा कर बताया देता है, इंटेंडेड टू इम्प्रेस, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। आंसर क्या होगा? आंसर आंसर होगा रेटोरिक। रेटोरिक स्पीच होती है बढ़ा चढ़ा कर, किसी को जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा कर बताना, जिससे इम्प्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रेटोरिक स्पीच कहलाती है। अगला, द कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस वंस इन 3 years, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जो केवल 3 सालों में होती है। आपको मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ट्रिनियल, कौन सा पढ़ाया था, ट्रिनियल, ट्रिनियल इज द राइट आंसर, ठीक है, 38 का, हाँ 38, ट्रिनियल, ट्रिनियल का आंसर हो जाएगा डी, 3 सालों में। देखो, 1 साल में होता है तो एनिवर्सरी, 2 साल में है तो बाइनियल, 3 साल में है तो ट्रिनियल, तो ट्रिनियल मतलब 3 साल में होने वाला। हाँ, अतिशयोक्ति बिल्कुल कह सकते हो। चलो अगला, करेक्टली स्पेल्ड 39 में, आप बताओ जल्दी से हेट्रोजीनियस की स्पेलिंग कौन सी सही है। आंसर है बी, हेट्रोजीनियस मतलब होता है अलग अलग तरीके का, दो तरीके होते हैं। होमोजीनियस होता है सेम सेम प्रकृति के, सेम नेचर के, ऐसे 5 मार्कर सेम सेम है तो होमोजीनियस है, 5 अलग अलग है तो हेट्रोजीनियस कहलाएगा, ठीक है। अगला, झूठी गवाही, परजुरी, परजुरी को झूठी गवाही कहा जाता है, परजुरी की स्पेलिंग होती है डी, झूठी गवाही को बोलते हैं परजुरी। ओके चैंपियंस, ऐसे सॉल्व करना है क्या? जी सर, ऐसे सॉल्व करना है, चलो कर लो जल्दी से। उसने कहा था बंगाल रेनाइसेंस, बंगाल का जो पुनर्जागरण था, रेफर्स टू अ सोशल रिफॉर्म, इसको माना जाता है एक समाज सुधार, बहुत बड़ा पैसेज सुनते जाओ, मूवमेंट, समाज सुधार का एक मूवमेंट माना गया है ड्यूरिंग द किसमें 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं की शताब्दी की शुरुआत में, इन द रीजन ऑफ द बिगिन इन द अनडिवाइडेड इंडिया, उस क्षेत्र में जहां पे शुरुआत हुई थी अनडिवाइडेड इंडिया की, अलग अलग डिवाइडेड, जो डिवाइडेड था अनडिवाइडेड इंडिया, एकजुट भारत की शुरुआत हुई थी तब से। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश राज करते थे उस समय पर बंगाल में एक पुनर्जागरण आया और सब लोग मिलकर रहने लगे, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया ब्रिटिश रूल। द बंगाल रेनाइसेंस कैन बी सेड, बंगाल का जो पुनर्जागरण हुआ है उसको हम दोबारा से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टू हैव स्टार्टेड विद राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय ने शुरुआत की थी 1775 से 1883 तक, 33 तक, एंड हैड एंडेड विद रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर से उसकी समाप्ति हुई थी 1861 से 1941 के बीच। ऑल्दो देयर हैव बीन मेनी स्टॉलवर्ट्स, हालांकि वहां पर कई ऐसे स्टॉलवर्ट्स, स्टॉलवर्ट्स मतलब होता है ईमानदार और निष्ठावान लोग, बहुत सारे टैलेंटेड और निष्ठावान लोग वहां पर रहे हैं इनके अलावा भी, देयर आफ्टर उसके बाद, एम्बॉडिंग अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिक इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव आउटपुट, जिनके अंदर बहुत सारी क्या थी, इंटेलेक्चुअल बुद्धिमानी भरी, यूनिक अलग तरीके की, और क्रिएटिव आउटपुट कहीं ना कहीं रचनात्मक तरीका उनके अंदर निकलकर सामने आया। 19th सेंचुरी बंगाल वॉज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रिलीजियस एंड सोशल, 19th सेंचुरी को माना जा सकता है बंगाल में क्या बहुत ज्यादा शानदार तरीके से क्या था, रिलीजियस, धार्मिक और सोशल, सामाजिक, रिफॉर्मर, समाज सुधारक रहे हैं वहां पर, स्कॉलर्स, विद्वान लोग रहे हैं, लिटरेरी, साहित्यिक लोग रहे हैं, और जर्नलिस्ट, बड़े बड़े पत्रकार टाइप के रहे, पैट्रियोटिक, देशभक्त रहे हैं, ऑरेटर्स, ऑरेटर्स होते हैं, वक्ता रहे हैं वहां पे, एंड साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट रहे हैं। जिसको ये वर्ड दिक्कत दे दोबारा से वीडियो रिपीट करना, जब ये क्लास खत्म हो जाए दोबारा से लिख लेना इनको। ऑल मर्जिंग द फॉर्म ऑफ इमेज, सबने सबके सबने क्या कर दिया, मिलाया जाए इन सबको, द फॉर्म ऑफ इमेज ऑफ अ रेनाइसेंस, सबके सबको मिलाने पर क्या है, एक रेनाइसेंस यानी कि पुनर्जागरण का फॉर्म बनता है। एंड मार्क्ड द ट्रांजिशन, और ये दिखाते हैं ट्रांजिशन, मिटाना फ्रॉम द मीडियवल, इमिट जाते हैं धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, मीडियवल द मॉडर्न, मॉडर्न फेज में आते आते ये सब चीजें समाप्त हो जाए। ड्यूरिंग द पीरियड, उस समय के दौरान बंगाल विटनेस एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, बंगाल ने विटनेस किया, बंगाल ने दर्शाया, क्या दर्शाया, बंगाल इस बात का साक्षी रहा है, किसका, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, बहुत बुद्धिमानी उसमें जागरण यानी अवेकनिंग लोगों को जगाया गया है।
दैट इज इन सम वेज कुछ हद तक सिमिलर टू द यूरोपियन रेनेसेंस, किसके बराबर था, यूरोपियन, यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में वैसा का वैसा। ऑल्दो यूरोपियंस ऑफ दैट एज वर नॉट कर्नलिज्म, ठीक है, उनके अंदर ऐसा कुछ कर्नलिज्म नहीं था, दिस मूवमेंट क्वेश्चन एग्जिस्टिंग, ये जो मूवमेंट है क्वेश्चन करता है इन द सेंस, प्रश्न चिन्ह लगा देता है एग्जिस्टिंग ऑर्थोडॉक्सीज, उन सब चीजों पर जो पुरानी चीजें हम मानते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुरानी सोच रखना, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट ऑफ वीमेन, किसके मामले में, महिलाओं के मामले में, मैरिज शादी के मामले, एट द डाउरी सिस्टम और डाउरी सिस्टम के मामले, द कास्ट सिस्टम के मामले में, एंड रिलीजन और धर्म के मामले। वन ऑफ द अर्लीस्ट सोशल मूवमेंट, इन सब में से जो अर्लीस्ट सोशल मूवमेंट हुआ था दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, वाज द यंग बंगाल मूवमेंट, बंगाल में यंग लोगों का एक मूवमेंट हुआ था, अब उसको मैं बताता हूँ आगे। मूवमेंट दैट एस्पाउज्ड नेशनलिज्म, जिसमें कि क्या है निकल के सामने आता है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, एथीज्म, क्या बोलते उसको, नास्तिकता, एंड द कॉमन डिनोमिनेटरीज ऑफ सिविल कंडक्ट, और बहुत सारे ऐसे आचरण के बारे में अमंग अपर कास्ट एजुकेटेड हिंदूज, जो उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके बारे में, द पैरेलल सोशल इको रिलीजन मूवमेंट्स, और साथ में चल रहा था समाज धार्मिक, इन सब का एक मूवमेंट ब्रह्म समाज के नाम से डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, एंड काउंटेड मेनी ऑफ द लीडर्स, और बहुत सारे लीडर्स उन्होंने दिखाए ऑफ द बंगाल रेनेसेंस अमंग हिज फॉलोअर्स। अच्छा बता, द स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस, इस पूरे के पूरे जो रेनेसेंस हुआ यानी कि पुनर्जागरण हुआ, इसका क्या मेन उद्देश्य, इसके क्या जोश था, आंसर होगा ए, लाइज इन ब्रेकिंग ऑल शैकल्स एंड बैकवर्डनेस एंड नैरोनेस माइंडनेस, इन सब का एक ही उद्देश्य था कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ था, ब्रेक तोड़ना है शैकल्स, उन जंजीरों को, बैकवर्डनेस, हम जो पिछड़े हुए हैं, नैरो और संकुचितता, माइंडलेसनेस, ठीक है, बिना सोचे समझे, फाइंड आउट द ऑप्शन अपोजिट ऑफ द एलियन, एलियन का मतलब होता है विदेशी, अजनबी, पराये, और आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, क्या हो जाता है, स्वदेशी। The Bengal Renaissance was different from the 16th century European. Europe की 16th century से वो अलग था, because क्यों अलग था भैया बता दो, 43 का answer. वो अलग इसीलिए था क्योंकि answer था B. Unlike the Bengalis, Bengalis की तरह Europeans were not under foreign rule. वो colonialism में नहीं थे, यानी foreign के rule में नहीं थे. बस लास्ट चार क्वेश्चन और रह गए, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। बंगाल रेनेसेंस गैदर्ड मोमेंटम इन द 19th सेंचुरी बिकॉज, बंगाल रेनेसेंस को मोमेंटम क्यों मिला था 19th सेंचुरी में, क्योंकि बताओ क्यों मिला था, आंसर होगा 44 का डी, क्योंकि वहां पर था, देयर वाज एन अबंडेंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल, क्योंकि वहां पर इतना मूवमेंट क्यों मिला, बहुत सारे बुद्धिमान और क्रिएटिव एक्टिविटीज बंगाल में चलना शुरू हो गई थी। द बंगाल रेनेसेंस मूवमेंट, जो बंगाल का रेनेसेंस मूवमेंट था वो कैसा, उसमें क्या था, आंसर क्या लगाया जाएगा 45 का सी, उस मूवमेंट में क्या हुआ, वांटेड, वो चाहता था सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार चाहता, टू इम्प्रूव अ लॉट ऑफ वीक एंड डाउनट्रोडन, गरीबों को और क्या नाम था, दबे कुचले लोगों, कमजोर और दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना चाहता था। I must find, मुझे पाना है a hiding place, एक ढूंढने छुपने योग्य place चाहिए, he thought, उसने सोचा in the next few seconds, कुछ ही सेकंडों में, और I am done for, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा, इस कार से शायद ऐसा हुआ, had the thought crossed his mind, उसके दिमाग में ये विचार आया हो। When the lane का मतलब था सड़क, जब lane जो सड़क थी took a sudden turning, जैसे उसमें एक मोड़ आया, so that he found himself hidden, उसने देखा मैं छुपा हुआ सा हूँ, from the pursuers, कुछ बाकी लोगों से, there are circumstances, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी वहां पर, in which the least energetic of mankind, जहां पर बहुत कम energetic of mankind, मानवता की या मनुष्य से related बात की जा रही है, learn to act, वहां पर काम करना,
with speed and decision. This was such an occasion. ये एक ऐसा occasion था for रहमान, रहमत के लिए, रहमत अली के लिए. क्यों? There's those who knew him best. जो उसको बहुत अच्छे से जानते थे, would have been the most astonished. वो आश्चर्यचकित हो गए देखकर at the lad's boldness. उस लड़के की boldness. लड़का मतलब छोकरा, छोकरे की boldness. He stopped dead. ठीक है? Stopped dead. यहाँ पर stopped dead का मतलब stopped dead नहीं है. Stopped dead का मतलब यहाँ पर कुछ और निकलेगा. स्टॉप डेड का मतलब निकलेगा कि एकदम से अचानक वो वहां कर रुक गया. ठीक है? थ्रू द बॉक्स ऑफ ज्वेलरी. किसके साथ? बिल्कुल, एक ज्वेलरी की बॉक्स लेकर ओवर अ गार्डन वॉल, गार्डन वॉल पे ऊपर चढ़ता जा रहा था, लीपिंग अपवर्ड्स ऊपर चढ़ता जा रहा था विद इनक्रेडिबल लाइटनेस. बिल्कुल बहुत, जिसको हम सोच भी नहीं सकते इतने तरीके से. द सीज द टॉप ऑफ द बॉल्स विद हिज हैंड्स. और उसमें क्या था? टॉप ऑफ द बॉल्स होना चाहिए विद हिज हैंड्स. एंड टम्बल्ड, और टम्बल मतलब फिसलना, हेडलॉन्ग इनटू द गार्डन, गार्डन में कूद गया वो. ठीक है? स्टॉप द हेड का मतलब क्या होगा? आंसर हो जाएगा, आंसर टू कम, आंसर होगा डी, टू कम टू अ कंप्लीट हाल्ट, अचानक रुक जाना. रहमत अली मोस्टली लाइक, क्या लग रहा है आपको रहमत अली क्या होगा आपके हिसाब से? वॉचमैन होगा, जॉगर होगा? अच्छा एक बात बताओ, कोई पर्सन ज्वेलरी का बॉक्स उठाकर ले जा रहा है, दीवार में फांद कर जा रहा है, तो वो क्या होगा? चोर. और चोर के लिए आएगा बर्गलर. क्या आ जाएगा? बर्गलर. There are circumstances in which the least energetic of mankind turn, learn to act with speed. इस स्पीड से कोई भी पर्सन जो काम करता है उसमें क्या परिस्थितियां रहती हैं? 48 का अगर आंसर नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको दोबारा से एक बार और, आज का बस लास्ट दो क्वेश्चन रह गए, इसके बाद ये खत्म. हाँ, तो अब आंसर बताया जाएगा. अगर देखा जाए तो 48 का आंसर तो रहमत अली के बारे में बताया गया है. With speed decision and the most cautious forget their case. इसमें रहमत अली को बताया गया क्या करते हुए? Jumping into the garden, गार्डन में कूदते हुए. What kind of a person was रहमत अली originally? Originally किस तरीके का पर्सन आपको दिखाई देता है वास्तव में? 49 का आंसर क्या लगाया आप लोगों ने? आंसर होगा डी, lazy and insensitive. पहले तो वो बहुत lazy सा sleepy answer था, लेकिन क्या नाम था अपना? हाँ, answer D, lazy था बहुत ज़्यादा. लेकिन अचानक देखा तो लोग बागों ने देखा वो दीवार चढ़ चढ़ के भाग रहा है ये सब. रहमत अली found himself hidden from his pursuers. उसने दिखाया नहीं कि मैं क्या करता हूँ. Because क्यों? क्योंकि क्यों नहीं दिखाया वो उसने लोगों को? आंसर होगा C, he had gone around an unexpected bend. कभी भी वो ऐसी परिस्थिति में फंस सकता था. ठीक है, चलिए. तो दोस्तों, दिस इज मनीष सर. एक बार फिर हम लोगों ने एक पूरा टेस्ट एंड किया है. ये एसएससी के 50 क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं. वीडियो को अगर बहुत मतलब वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. और कई सारे लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो एंजॉय किया है. जिस भी पर्सन को बहुत अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही नई नई चीजें देखने के लिए यूट्यूब चैनल मनीष सर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. और इंग्लिश में और अच्छा स्कोर करने के लिए क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं आप. यू कैन ज्वाइन द क्लासेस बाय द वे ऑफ जी, थैंक यू सो मच. यू कैन ज्वाइन. कई लोग क्लास के बीच में पूछ रहे सर व्हाट इज योर नंबर. एंड पूरे ग्वालियर में 3 ब्रांचेस हैं, रॉक्सी, फूलबाग एंड थाटीपुर. फूलबाग पर नया बैच चालू हो रहा है 17 मार्च से. कितनी मार्च से? 17 मार्च से नया बैच शुरू हो रहा है. फिर फूलबाग रॉक्सी पर नया बैच शुरू हो रहा है 6 अप्रैल से. रॉक्सी पर थाटीपुर पर नया बैच शुरू हो रहा है 8 अप्रैल से. तीनों बैचेस बहुत नए तरीके से शुरू हो रहे हैं. जो भी पर्सन ज्वाइन करना चाहता है दे कैन कम इन ग्वालियर. ग्वालियर किसी भी पार्ट में जहां आप पढ़ना चाहते हैं आपको तीनों ब्रांचेस में जगह मिल जाएगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग. हाँ चलिए, ओके. शिल्पी, पूजा, अवधेश, काशी, देवेंद्र, तानिया एंड शिल्पी, ओके थैंक यू सो मच. वीडियो को शेयर कर देना सभी लोग. चलिए.